पिता और मैं झूठ बोलता था, आप भी झूठ बोलता हूँ। आज उनसे तौबा करें, माफी पाए, नई जिंदगी इस साल में, नए साल में आपकी जिंदगी नई हो जाए, नई जिंदगी हो जाए और नए तौर से नई जिंदगी पाकर नए तौर से उसकी बादशाह में शरीक होने के लिए इस नए साल को अपनी नई जिंदगी के से आगाज करें। कितने हैं जो आज इस पैगाम को कबूल करते हैं? भाई बहने जो कबूल करते हैं वो अपने हाथों के ऊपर उठाएं, अपने हाथ के ऊपर उठाएं कि आज मैं खुदा को अपना शख्सी निजात दादा कबूल करता हूँ। कोई भाई को बहने वरना आपकी झील में जाना होगा, आपकी झील में जाना होगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा और अपने अपने पांव पर खड़े हो जाए, जिन्होंने आग बताया वो अपने पांव पर खड़े हो जाए। तौबा किया है, आपने खुदा को निजात दादा कबूल कर दिया है, वो अपने हाथों को उठाया, आपको अपने पांव पर खड़े हो जाए, अब वो सब के सब अपने पांव पर खड़े हो जाए। खुदा ने उनके साथ काम किया है, इसलिए वो माफी पाते हुए खड़े होकर खुदा से अजवा करें, खुदा को मैं तौबा करता हूँ, तू मेरे गुनाह माफ कर, मेरी मर्जी को छोड़ा, मुझे नई जिंदगी स्टार्ट करना, मैं नया बनना चाहता हूँ, खुदा से मुझे याद रहा दे। वो जो खड़े हुए मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। आज खुदा को मसीह यीशु में मेरे अजीज बाप जिन्होंने आज तुझे कबूल किया, तेरे कलाम का लिहाज किया और तुझ पर ईमान लाए, अपनी जिंदगी बख्शी, तूने उनकी जिंदगी को नया बना दिया, ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ, इसलिए कि तेरे फरिश्ते भी आसमान पर एक तौबा करने वाले के पास से खुशी करते हैं, मैं भी खुश हूँ, ऐ बाप तुझको बड़ी बरकत दे और इनको नई जिंदगी लेकर इस साल में नए तरीके से जिंदगी गुजारने का फल अता फरमा, गुनाह से नफरत से यीशु मसीह के नाम से। आमीन।